मुंबई इंडियंस में हो गया भारी बवाल। इस भारतीय खिलाड़ी से हुई हार्दिक की लड़ाई, रोहित और मालिकों ने आकर बचाया। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस में भारी बवाल हो गया है। मुंबई इंडियंस की टीम पे हार्दिक पांड्या की एक भारतीय खिलाड़ी से बड़ी भयानक लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और टीम के मालिकों को आकर बीच बचाव करना पड़ा। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि मामला बहुत गर्म हो गया था। हर कोई देख रहा था कि आखिर मुंबई इंडियंस की टीम में ये भारी बवाल कैसे हो गया। और जब ये मामला शांत नहीं हो पा रहा था, दोनों खिलाड़ी आपस में लड़ाई को नहीं सुलझा पा रहे थे और लड़ाई बढ़ते ही जा रही थी, तब आखिरकार रोहित शर्मा जो टीम के पूर्व कप्तान हैं और टीम के मालिकों ने आकर बीच बचाव किया, तब जाकर कहीं यह मामला शांत हुआ। तो पूरी जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देते हैं। मुंबई इंडियंस में हो गया भारी बवाल। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस में ये भारी बवाल लखनऊ के खिलाफ मुकाबला हारने के बाद देखने को मिला। दरअसल मुंबई इंडियंस की टीम इस सीजन बेहद ही खराब प्रदर्शन कर रही है। नए कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम का प्रदर्शन बेहद ही खराब है और वो पॉइंट्स टेबल में अभी 9वें नंबर पर है। पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस के 10 मैच में सिर्फ 6 अंक है। मुंबई इंडियंस की टीम लखनऊ के सामने भी मुकाबला हार गई, जिसके बाद टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या भड़क गए। हार्दिक पांड्या ने टीम के एक खिलाड़ी पर इस चीज की जिम्मेदारी डाल दी कि उनकी वजह से लखनऊ के सामने मुंबई को हारना पड़ा। अगर वो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर देता तो शायद हम लखनऊ के सामने मैच जीत जाते। इस भारतीय खिलाड़ी से हुई हार्दिक की लड़ाई। जी हां दोस्तों, खबरों के मुताबिक हार्दिक पांड्या की जिससे लड़ाई हुई, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम है तिलक वर्मा। बता दें कि तिलक वर्मा एक बेहद ही शानदार खिलाड़ी है। उन्होंने भारत के लिए पिछले साल T20 में डेब्यू भी किया था। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी स्किल बेहतरीन है और रोहित शर्मा उन पर बहुत भरोसा करते थे, तभी रोहित शर्मा ने उन्हें पिछले साल मुंबई इंडियंस के लिए लगातार खेलने का मौका दिया। मुंबई इंडियंस के लिए जब तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस दौरान वो ज़्यादा अच्छी हिटिंग नहीं कर पा रहे थे। वो 11 गेंदों में 7 रन बनाकर रनआउट हो गए और इसके बाद जब हार्दिक पांड्या मैच हारने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए तो उन्होंने इस तरीके से कहा जिससे लगा कि वो तिलक वर्मा की बल्लेबाजी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका इस हिसाब से कहना था कि तिलक वर्मा चाहते तो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा तेज़ बल्लेबाजी कर सकते थे। इसी के बाद तिलक वर्मा भड़क गए। खबरों के मुताबिक तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या के पास पहुँचे और वहाँ जाकर उनसे शिकायत की और कहा कि आपके एटीट्यूड से मुझे दिक्कत है। जो खबरें सामने आ रही है उस हिसाब से तिलक वर्मा को हार्दिक पांड्या के एटीट्यूड से दिक्कत हुई और हार्दिक पांड्या ने इसके जवाब में उनसे भड़क कर कहा। अब इसके बाद मामला गर्म होता चला गया। हार्दिक पांड्या जो कि टीम के मौजूदा कप्तान हैं और तिलक वर्मा जो टीम के एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उन दोनों के बीच में बहस तेज होने लगी। मामला बढ़ता रहा और इसके बाद मुंबई के बाकी खिलाड़ी इस मामले को शांत नहीं करा पा रहे थे और उसके बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को बीच में कूदना पड़ा, तब जाकर यह मामला शांत हुआ। साथ में टीम के मालिकों को भी वहां पर आना पड़ा। रोहित और मालिकों ने आकर कराया मामला शांत। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या की बहस तिलक वर्मा से बहुत हो चली थी और ये मामला बहुत जल्दी गर्म भी होता जा रहा था। ऐसे में अब मामला को ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए, इसकी वजह से रोहित शर्मा आए और उन्होंने जाकर तिलक वर्मा को शांत कराया और हार्दिक पांड्या को भी समझाया। इसके अलावा टीम के मालिक भी वहां पहुंचे। टीम के मालिकों ने भी हार्दिक पांड्या को समझाया, तिलक वर्मा को समझाया और कहा कि इस तरीके से टीम का माहौल ख़राब ना किया जाए, तभी जाकर दोनों के बीच में मामला शांत हुआ। ऐसे में इन दोनों के बीच मामला शांत हो गया और मुंबई इंडियंस की टीम अब अपने अगले मैच की तैयारियों में लग गई है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अगर हमारे क्रिकेट सूत्रा के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।